यहाँ पे मैं आपको एक करिश्मा दिखाना चाहता हूँ। तो वहां से कितनी बर्फ पड़ रही है, अभी भी बर्फ पड़ रही है वहां से। वो एक्चुअली जोजला का पहाड़ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और सब अच्छे से होंगे। हाँ जी, वेलकम हो गया सबका एक नए और फ्रेश व्लॉग में। अभी मैं हूँ बालतल से ऊपर लगभग 2-4 किलोमीटर, दुमेल उसको बोलते हैं। तो अभी यहाँ से बारिश हो रही है, ये आप देख सकते हो, यहाँ से पूरी बारिश ही बारिश हो रही है। और इस गेट पे हमारा काम चल रहा है सफाई एक्सेट्रा का। और वो देखो वहाँ से कितनी बर्फ़ पड़ रही है, अभी भी बर्फ़ पड़ रही है वहाँ से। वो एक्चुअली जोजला का पहाड़ है। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये है जी जोजला का पहाड़। ओके, तो ये है जी गेट। हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, दिखाता हूँ गाड़ी की हालत क्या हुई है पिछले दिनों से। बारिश हो रही है कल से, लेकिन थोड़ी बहुत साफ हो चुकी है, लेकिन हालत कितनी ख़राब हुई थी गाड़ी की, देखो देखो, ख़तरनाक हालत ख़राब हुई थी। लेकिन जब से बारिश आई ना, तो ये अच्छे से साफ होगी। देखो कितने खूबसूरत पहाड़ है यहाँ पे, ज़बरदस्त लोकेशन है। यहाँ से ऊपर जाते हैं गुफा के लिए, जो भी यात्रा आती है इनको पिलग्रिम्स बोलते हैं, जो कि यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। फिलहाल यहाँ पे काम चल रहा है, उसके बाद हमें बालतल जाना है वापस। इस साइड से सफाई करनी है और इस साइड से भी सफाई करनी है। ओके, वो है जी जोजला का पहाड़, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला। बाकी जो भी भाई हमारी चैनल से जुड़ रहा है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप लाजमी दबाएँ जाके, ताकि जो भी अपडेट हो हमारी चैनल से, नए व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो काम में बिजी है, तो 2-4 दिन के बाद व्लॉग आ जाता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप लाजमी दबाएँ। और जब यात्रा ऐसा स्टार्ट होगी, तब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितनी खतरनाक चहल पहल होगी ज़बरदस्त अंदाज में। फिलहाल हम हैं बालतल में, चलो फिलहाल काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सर्दी सर्दी भाई साहब, सर्दी है भाई साहब। ओ भाई साहब, सर्दी कितनी खतरनाक सर्दी है ना यहाँ पे। मुझे 2 स्वेटर्स लगा के, और ये नेक वाले स्वेटर भी लगा के, लेकिन मुझे फिर भी सर्दी लगी। मैं सोच रहा हूँ ऊपर एक होटल है, छोटा ढाबा है, वहाँ पे चाय पीते हैं, थोड़ी बहुत गर्मी आ जाती है। और एक बात कि यहाँ पे ऐसे सबको गाड़ियाँ अलाउ नहीं करते, जिसके पास परमिशन होगी उसको अलाउ करते हैं, क्योंकि खुद पता है सिक्योरिटी का इशू होता है। तो ये भी ज़रूरी है कि परमिशन होनी चाहिए, लीगल तरीके से सारा कुछ होना चाहिए। देखो मैं भी व्लॉग्स बनाता हूँ, इसमें भी प्राइवेसी है, तो ऐसे ही यहाँ पे प्राइवेसी होती है। बालतल जो भी आता है, गुफा की ओर जाता है, जहाँ ये जाते हैं दर्शन करने जाते हैं यात्री लोग, तो उनकी भी प्राइवेसी रखनी होती है, हर एक चीज़ की प्राइवेसी रखनी होती है। फिलहाल मैं गाड़ी में बैठा हूँ और यहाँ पे लटकी है हमारी परमिशन, तो सब गाड़ी को अलो नहीं करते, ये बात आप ध्यान में रखना। तो फिलहाल मैं जाता हूँ होटल की ओर। ओके, चलो यहाँ से आगे रास्ता जाता है होटल की ओर, वहाँ पे थोड़ा बहुत चाय सा पियेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा है, आप देख सकते हो, यहाँ पे हम पियेंगे चाय, देखेंगे फिर क्या कुछ होगा। चलो शुक्रिया। चाय हम लोग ने पी यार, थोड़ी बहुत गर्मी हो गई और इनको भी चाय पिलाई, इनको भी सर्दी लग रही थी। यहाँ पे है बहुत ज़्यादा सर्दी यार, लग रहा होगा आपको यहाँ पे, मतलब मैं स्वेटर लगा के पता नहीं क्या क्या, मतलब जून का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे है सर्दी यार, बहुत हाइट पे है। और बर्फ़ अभी भी यहाँ से, तो बर्फ़ अभी भी यहाँ से है। ये देखो पहाड़ जिनके ऊपर बर्फ़ है, शीशा नीचे करके दिखाता हूँ, वो देखो जी पहाड़। वहाँ पर मैंने एक रील बनाई थी कल, मैं वहाँ पर गया था काम देखने, वहाँ पर मैंने एक रील बनाई। आज तो मेरी हालत सही है, आज मैंने सनस्क्रीन भी लगाई, लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने सनस्क्रीन क्रीम लगाई है। तो यहाँ पे चेहरा ख़त्म हो जाता है। बालतल इज़ वन ऑफ द वर्स्ट प्लेस, लेकिन पैसा कमाने में यहाँ पे क्या,
बादल में पैसे बहुत ज्यादा है लेकिन जगह ये अच्छी नहीं है। तो ये देखो धूल कितनी है, धूल कितनी है। तो आज थोड़ी बहुत हालत ठीक लग रही है, मैंने कल ग्लिसरीन लगाई, वैसलीन लगाई, उसके बाद हालत ठीक हो गई है। तो फिलहाल मेरा फोन डाउन होगा, हम जब नीचे जाएंगे या अगर लाइट आई तो यहीं पे मैं चार्ज करूंगा कहीं पे, तो उस टाइम हम फिर से मिलेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं व्लॉग्स भी बना रहा हूँ, अपना काम भी निपटा रहा हूँ। देखो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है, तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो चैनल पूरी डेड हो जाएगी। सो यूट्यूब तो प्रायोरिटी है, उसको प्रायोरिटी देनी है, बाकी ये काम भी करना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। बाकी मिलते हैं यहाँ पे। मैं आपको एक करिश्मा दिखाना चाहता हूँ, पानी पहाड़ से निकल रहा है, ऊपर से कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई स्प्रिंग नहीं है, या कुछ पर नाग शिवना वो भी नहीं है, लेकिन पानी देखो कहाँ से निकल रहा है। मैं ऊपर जाता हूँ थोड़ा, वाह क्या करिश्मा है, वो देखो पानी पहाड़ से निकल रहा है। ऊपर थोड़ा जाते हैं, रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है, यहाँ से हम कोशिश करेंगे ऊपर पहुंचने की। ये देखो पहाड़ से निकल रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कोई पानी नहीं है, लेकिन यहाँ से निकल रहा है। अल्लाह ताला का करिश्मा, अल्लाह ताला ने कैसी दुनिया बनाई है। आगे जाते हैं, रास्ता यहाँ से ख़राब है और ऊपर से मुझे चप्पल लगा के। ये देखो ओ भाई साहब, मतलब अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया को देखे, एक्सप्लोर कर सके। तो आज मुझे भी मौका मिला इस झरने को देखने का, वाटरफॉल, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा होगा, ऊपर कोई स्नो भी नहीं है इस वाले पहाड़ पे। ये देखो ये जी, ऊपर नहीं जा सकता मैं ज़्यादा, कहाँ से आ रहा है पानी, और यहाँ से वहाँ से भी निकल रहा है, वहाँ से भी निकल रहा है। देखो पहाड़ से पानी निकल रहा है, वो देखो वहाँ से पहाड़ कितनी खूबसूरत है, ये पहाड़ कितना खूबसूरत है, वो पहाड़ कितना खूबसूरत है, और यहाँ से छोड़ते हैं घोड़ों को। जब घोड़े लाते हैं यात्री इसको, इनमें रखते हैं उनको, फिर ऐसे ऐसे इनको जाते हैं यहाँ तक बंद रखते हैं, फिर 6-7 बजे इनको छोड़ते हैं गुफा के लिए। जिनको पता होगा उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो मेरे बाहर के सब्सक्राइबर्स हैं और कश्मीर के जो बालतल साइड से नहीं आते हैं तो उनको पता होगा, यहाँ से घोड़ों को छोड़ते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, बीच में वो रास्ता है, इसी गेट पर हमारा काम चल रहा है ऊपर तक। ये देखो बाय द वे आज गवर्नर साहब भी शायद आ रहे हैं विजिट के लिए, मुझे पूरा कन्फर्म नहीं है। चलो भाई हम जा रहे हैं नीचे। हाँ ओए जुगाड़ क्या बनाया आपने, जुगाड़ बनाया आपने, अच्छा जुगाड़, बादल जुगाड़ है। आप किस में यहाँ पे काम करते हो, बीकन में? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो जी ब्लॉग का आज सेकंड है और सुबह सुबह मैं चाय लेके बाहर आया, और मज़े वाली बात यह है कि मैं चाय पी रहा हूँ नमकीन, लेकिन बिस्किट मेरे हैं मीठे वाले। यहाँ पे बैठते हैं। ओ भाई साहब, हाय हाय हाय, यह है बालतल की लाइफ। ओ भाई साहब खतरनाक वाली लाइफ है बालतल की। यह है नमकीन चाय हाथ में मुझे गिलास में, और बिस्किट है मुझे मीठा वाला, दिखाता हूँ, बटर चॉइस कुछ बिस्किट का नाम है, मतलब बालतल की लाइफ। मतलब जो नहीं किया होता ना वो यहाँ पे करना पड़ता है, मतलब एडजस्टमेंट के लिए, ये सारा कुछ यहाँ पे टेम्परेरी होता है। शेड्स वर्ड्स बना रहे हैं ना वहाँ से, वो आप देख सकते हो वो बन रहा है हॉस्पिटल। ये है जी हॉस्पिटल, ये है मेन गेट, यहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है, यहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है, वहाँ पे है मेरी गाड़ी। ओके तो ये है सोम स्टैंड, बस स्टैंड जो भी आप कह लो, ये वही है। देखो यहाँ से ये बाकी सिस्टम डाला गया है, और मेरी चाय यहाँ पर है,
पहाड़ों के बीच में चाय पीने का अलग ही मज़ा है। ये देखो भाई ज़बरदस्त अंदाज में, लेकिन मैं कैसे उल्टी, अब उल्टी नहीं आनी चाहिए, वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। चलो कर लेते हैं एडजस्ट, बाकी यहाँ से भी लगेंगे अभी टेंट्स दुकानें, तब यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है जब सीज़न लगेगा, और यहाँ पे भी लगेगा दुकान जहाँ पे मैं एक बंदा रखूँगा, और बाकी यहाँ से अंदर बाकी कैंपिंग एरिया है, उधर से बहुत बड़ा एरिया है और टनल वहाँ से खोद रहे हैं। तो फिलहाल मैं पीता हूँ चाय, उसके बाद हम मिलते हैं। ओके नुनबलाई।